नताशा और धवन, आज तो सारे कपल सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रपोज डे, तो क्यों ना इस प्रपोज डे के मौके पर धवल आप फिर से प्रपोज कर दें एक बार नताशा को। देखिए वैसे ही आपकी कहानी में आ रहे हैं इतने सारे ट्विस्ट और बार बार आप हो जाते हैं एक दूसरे से दूर। अब तो हम चाहते हैं कि आपकी ये लव स्टोरी चले फॉर एवर। लेकर चलते हैं आप सबको पांड्या स्टोर। स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में कहानी में आ गया है महा ट्विस्ट, क्योंकि धवल को अपने भाई अमरीश की सच्चाई का पता चल गया है। ऐसे में धवल ने फैसला लिया है घर छोड़ने का और देखिए कैसे धवल अपने घर को निहार रहा है, क्योंकि वो हमेशा के लिए इस घर से जुदा जो हो रहा है। ऐसे में धवल घर छोड़कर तो चला जाता है, लेकिन अमरीश भी उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो धवल तक पहुंच नहीं पाता। ऐसे में घर वाले भी काफी टेंशन में हैं और घर में टेंशन का माहौल है। अभी तो इस सीजन का सबसे बड़ा फेस ऑफ शुरू हो चुका है। आज के एपिसोड में टेलीकास्ट हुआ है जो अमरीश और धवल, जो कि अमरीश भाई की सच्चाई धवल को पता चल जाती है। मतलब उन्होंने जो भी मैनिपुलेशन किया है, तो हमारे शो में एक ही विलन है, वो भी एकदम सॉफ्ट विलन है। इतने अच्छे से मैनिपुलेट करते किसी को पता नहीं चलता, लेकिन अभी मुझे पता चल गया है। तो आगे का ट्रैक जो है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क रहेगा कि भाई धवल क्या करेगा, क्योंकि धवल अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बहुत मतलब उस हद तक जहाँ की अगर ये जो भी लाइफस्टाइल देखी वो अपने भाई की वजह से ही देखी है, तो ये बहुत दुख भरा है धवल के लिए। दिल पर पत्थर रख के करना पड़ रहा है, उसको घर छोड़ना पड़ रहा है। ये मैंने कभी नहीं सोचा, बट क्या पता ऐसे हो। मतलब अभी तो धवल गया है होटल रूम में रहने के लिए जाता है, उसके पास पैसे नहीं कुछ नहीं है। जब वो बाहर खाने के लिए जाता है तब बोलते कह रहे अमरीश मकवाना का भाई चल फ्री में खा ले। उसको रियलाइज़ होता है कि यार मेरा तो कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मैं तो अपने भाई की वजह से जाना जाता हूँ। यार आई एम हैप्पी कि हम लोग ने शो की लेगेसी मेंटेन की है और कभी कभी ऊपर भी लेकर गए हैं। सो आई एम हैप्पी कि लोगों को जोड़ी पसंद आ रही है, यंग काफ़ी यंग ऑडियंस हमने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की है। एंड खुशी मिलती है जब ऑडियंस को पता चलता है कि मतलब वो लोग अप्रिशिएट करते हैं एक्ट्रेस के परफॉर्मेंस को, तो अच्छा लगता है। और अब जब मुझे अमरीश और धवल इस तरह से फेस ऑफ हुआ है, टीआरपी ने हमेशा एक ऊंचाई ली है। बिकॉज लास्ट टाइम भी इफ यू सी अमरीश भाई गायब हो जाते हैं तो धवल रोना धोना, ये लोग एक भाइयों का ट्रैक चलता है। तो हम लोग एक ही चीज़ करते थे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम करती थी, इंशाल्लाह बॉयज़ प्लेड वेल। तो हम लोग यही करते थे कि मज़ा आता था कि हम दोनों जब भी सीन करते थे तो हम यही बोले इंशाल्लाह बॉयज़ प्लेड वेल, और टीआरपी भी बढ़ती थी। लेट्स सी अगर इस बार बढ़ गई तो इंशाल्लाह बॉयज़ प्लेड वेल अगेन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। सेलिब्रेट करते हैं आपके साथ 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। देखिए नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।